क्वेश्चन आपका कोस इनवर्स कोस 13/पाई, इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो ये होगा आपका कोस इनवर्स कोस 13π/6 जो है, यहाँ पर इसकी जो कोस की लिमिट होती है वो होती है आपकी, हाय दोस्तों, ज्ञान कोचिंग में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2 की। पहला क्वेश्चन है आपका कोस इनवर्स कोस 13π/6, इसको आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर ये होगा कोस इनवर्स कोस, कोस की जो यहाँ पर लिमिट होती है हमारी, कोस इनवर्स एक्स की, वो लिमिट होती है 0 से π के बिटवीन, बट ये हमारा 13π/6। अब हम इसको चेंज करेंगे, हम लिख सकते हैं 13/π को 2π+π/6, ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स कोस 2π/6 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ओनली π/6, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो ये बचेगा आपका π/6 और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका टेन इनवर्स 7π/6, ये होगा दोस्तों आपका, इसको हम भी 10 की जो रेंज होती है आपकी, दूसरा क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स 10 7π/6, दूसरा क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स टेन सेवन पाई वाई अपॉन सिक्स, पर दोस्तों आपको पता है जो टेन की रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2 के बिटवीन, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन पाई +π/6, ये आपका हो जाएगा। आपको पता है टेन पाई पाई अपॉन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है आपकी 10π/6, टेन इनवर्स 10π/6, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा π/6। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 2 sin inverse 3/5 इज इक्वल टू 10 inverse 24/7। आपको क्वेश्चन दिया गया है 2 sin inverse 3/5, आपको प्रूव करना है 10 inverse 24/7, इसको आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, पहले इसकी LHS लोगे, LHS है आपकी 2 sin inverse 3/5, आपका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स a अपॉन अंडर रूट b² - a² हम यहाँ पे लगाएंगे 2 sin inverse को चेंज किस में करना है हमें, 10 इनवर्स में, तो ये हो जाएगा 2 tan inverse, साइन इनवर्स ए अपॉन बी था तो ए के प्लेस पर यहाँ पर 3 है, बी के प्लेस पर 5 है, तो ये आपको हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 5² - 3² तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी 2 tan inverse 3/25 - 9, ये होगा 2 tan inverse 3/16 इज इक्वल टू 2 tan inverse 3/4। अब आपको फॉर्मूला पता है कि 2 tan inverse x इजकल टू होता है आपका 10 inverse 2x/1 - x², तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये आपका हो जाएगा 10 inverse 2 × 3/4 / 1 - 3/4 का होल
होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 2 × 4 3 upon 2 upon 3 × 9 4 × 4 = 16 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 − 9 upon 16 ये आपका होगा टेन इनवर्स 3 upon 2 7 upon 16 = 10 इनवर्स 2 से 16 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, सबसे नीचे की मल्टीप्लाई ऊपर 8 × 3 = 24 upon 7 = RHS, यही आपको प्रूव करना था। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 8 upon 17 साइन इनवर्स 3 upon 5 = 10 इनवर्स 77 upon 36 आपका LHS दी गई है साइन इनवर्स 8 upon 7 प्लस साइन इनवर्स 3 upon 5 = आपको प्रूव करना है टेन इनवर्स 77 upon 36। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन इनवर्स को चेंज कर लोगे किस में, टेन में, तो आपका यहाँ से लिखेंगे पहले LHS साइन इनवर्स 8 upon 17 प्लस साइन इनवर्स 3 upon 5। आपका फॉर्मूला होता है साइन को टेन की फॉर्म में चेंज करने के लिए, आपको पता है साइन इनवर्स ए अपॉन बी = आपको होता है टेन इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा टेन इनवर्स 8 upon 17 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 3 upon 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपका होगा टेन इनवर्स 8 upon 289 माइनस 64 प्लस टेन इनवर्स 3 upon 25 माइनस 9। इसको सोल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 8 upon 17 माइनस 289 में से 64 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 225 प्लस टेन इनवर्स 3 upon √16, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये होगा टेन इनवर्स 8 upon 225 किसका होता है आपका 15 का प्लस टेन इनवर्स 3 upon 16 होता है आपका 4 का। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई = टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 − xy। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पर आप तो आपको मिलेगा ये टेन इनवर्स 8 upon 15 प्लस 3 upon 4 upon 1 − 8 upon 15 × 3 upon 4, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 15 का 4 का एलसीएम लोगे 60, 8 × 4 = 32, 15 × 3 = 45, ऐसे इधर इस 15 × 4 = 60, 1 = 60 −24 upon 60। यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका होगा टेन इनवर्स 32 और 45 को ऐड करोगे 527 437 77 60 60 कैंसिल करोगे 60 में 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 36, यही आपको प्रूव करना था।
एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। आपको दिया गया था साइन इनवर्स 8/17 प्लस टेन साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 77/36। आपने क्या किया, सबसे पहले LHS लिया, LHS आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। आपको पता है दोस्तों साइन इनवर्स को जब चेंज करते हैं टेन इनवर्स में तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से साइन को हमने टेन इनवर्स में चेंज किया, इसको भी कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया टेन इनवर्स 8/15 प्लस टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले के हेल्प से हमने ये वैल्यू एक्स हो गई आपकी वाई इसको सोल्व कर लिया। यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ गया टेन इनवर्स 77/36, ये आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, मैंने पहले से अपलोड किया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स 56/65, ये आपको प्रूव करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे आपका कोस इनवर्स 12/13 है कोस इनवर्स, तो हम इसको क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS इज इक्वल टू कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। कोस इनवर्स को साइन इनवर्स को हम चेंज कर लेंगे टेन इनवर्स में, तो ये आपका हो जाएगा। कोस को जब हम टेन में चेंज करेंगे तो कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आप इसको करने का तरीका। इससे आपको फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोस इजकल टू आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरटीनियस यानी कि 12/13। ये साइड यहाँ से हमें फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगी आपकी ए सी इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। तो इस साइड कितनी आ गई आपकी, 5 हो गई। तो यहाँ से आप 10 में कोस को चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 5/12। सिमिलरली साइन इनवर्स के लिए आप देखोगे तो साइन इनवर्स के लिए आप जब निकालोगे तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सेम ऐसे ही आपको यूज करना है। यहाँ पे ट्रायंगल के लिए साइन इनवर्स होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस 3/5। ये आप निकालोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16 का हो गया आपका 4। तो ये साइड कितनी हो गई, 4। तो साइन इनवर्स 3/5 इजकल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। अब इसको आप सोल्व कर लोगे, ये आपका हो जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स 5/12 प्लस 3/4। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 12 का 4 का एलसीएम कितना होगा आपका, 12 हो जाएगा। 5 प्लस 4 थी जा 12, 3 जा 9 अपॉन 12, 4 जा 48, 48 माइनस 15, ये आपका हो जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स 9 और 5 ऐड करेंगे 14 इंटू 48 अपॉन 12 इंटू, इसमें से माइनस करेंगे 8 में से 5 किया 3, 4 में से 1 किया 3, 33। 12, 4 जा 48, टेन इनवर्स 56/33। ये आपका है टेन इनवर्स की वैल्यू। आपको चेंज क्या करना है इसमें, किस में, साइन इनवर्स 56/65 में। अब आप क्या करोगे, RHS लोगे। RHS इज इक्वल टू आपका दिया था साइन इनवर्स 56/65, तो ये आपका हो जाएगा, साइन इनवर्स को चेंज करेंगे टेन इनवर्स में तो टेन इनवर्स
सिक्स अपॉन 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर इज इक्वल टू 56 अपॉन 65 और 25 माइनस का स्क्वायर 3136 अंडर रूट। आप इसको सोल्व करोगे आपका 56 अपॉन 15 में 6 गया 9 और यहाँ बचा 1, 11 में से 3 गए 8, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1। अंडर रूट ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स 56 अपॉन 1089 का जो स्क्वायर होता है वो 56 अपॉन 33 का होता है, तो आपको जगह 10 इनवर्स 56 अपॉन 33 और यही आपका आंसर। LHS इज इक्वल टू RHS।